सर्वेभ्य नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी स्वर संधि के शेष भाग को करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको स्वर संधि के दो भाग करा चुकी हूँ, उसमें आपका दीर्घ संधि और गुण संधि मैंने आपकी समझाई हुई है। यह वाली जो वीडियो हम बना रहे हैं यह है आपकी हिंदी व्याकरण की पाठ चार की संधि वाले पाठ की है। इसमें आपकी चार वीडियो बनेंगी क्योंकि आपके संधि प्रकरण में स्वर संधि की ही दो वीडियो बन रही हैं, तो आपकी जो शेष संधियां हैं वह आपकी अगली वीडियो में आपको मैं समझाऊंगी। उनमें आपका व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होगी। आप इस वीडियो में अपनी स्वर संधि के तीसरे भेद जो है आपकी वृद्धि संधि उसको समझ लीजिए। वृद्धि संधि में आपके कुछ नियम होते हैं, वह है आपके यदि आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण आ या आ हो और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण ए या आई हो तो दोनों मिलकर आपके आई हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे आपके नाम से ही पता लग रहा है कि आपके वर्णों में यहाँ पर वृद्धि होगी। का वृद्धि संधि का दूसरा नियम है कि यदि आपके आ आ के बाद आपका ओ औ आए तो दोनों के मेल से आपका औ रूप हो जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी समझाया है कि आपकी वृद्धि संधि में आपके वर्णों की वृद्धि होगी। यहाँ आप अपने उदाहरण से समझ लीजिए, जो आपके इसके नियम बनेंगे उनको भी आप देख लीजिए। यहाँ पर आपका अ प्लस ए बराबर आई। यहाँ पर आपके इस नियम से पूर्व वाले पद का बाद वाला वर्ण आपका आ आया हुआ है और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण आपका ए आया हुआ है। दोनों में संधि होने के बाद आपका आई जो आपका ए का वृद्धि रूप है वही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका शब्द है एक प्लस एक, आपका इन दोनों शब्दों में संधि होने के बाद हो जाएगा एक ही एक। इस आपके उदाहरण इसी नियम के हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए आ प्लस ए बराबर आई। यहाँ पर आपका आ का ह्रस्व रूप आया है, यहाँ पर आ का दीर्घ रूप आया हुआ है। तो आपने इन बातों पर भी ध्यान रखें कि आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व आ आए या दीर्घ आ उससे कोई भी प्रभाव नहीं होगा। इसी प्रकार आपके बाद वाले पद में आपका ए ह्रस्व आए या ए दीर्घ आए उससे भी आपकी वृद्धि संधि में कोई भी प्रभाव नहीं होगा। आपके ए में आपकी वृद्धि होने के बाद आपको आई आपकी वृद्धि संधि में मिलेगा। आप इसको समझ लीजिए, सदा प्लस ए, यहाँ पर आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण आ दीर्घ रूप वाला है और आपके बाद वाले पद का पूर्व वर्ण ए ह्रस्व ए है, तो आपके दोनों स्वर में संधि होने के बाद आपके ए में वृद्धि हो जाएगी और आपका शब्द सदैव बन जाएगा। शेष आपके उदाहरण भी इसी नियम के हैं। यहाँ पर आपका आ प्लस आई बराबर आई, जो मैंने आपको अभी समझाया है कि आपका ह्रस्व आय या दीर्घ रूप उससे कोई भी प्रभाव नहीं होगा। आपके ए का वृद्धि होकर आपको आई ही आपके शब्दों में दिखाई देगा। तो आप अपने शब्दों में आई और औ से अपनी वृद्धि वाली संधि को पहचान सकते हैं। यहाँ पर आपका जैसे उदाहरण दिया है मत प्लस एक के, तो आपका शब्द बनेगा मत एक के। यहाँ पर आप समझ लीजिए आ प्लस आई बराबर आई, यहाँ पर आपके दोनों ही वर्णों के दीर्घ रूप आए हैं लेकिन आपके आई में वृद्धि होने के बाद आपका आई रूप ही मिलेगा। आपका उदाहरण है महा प्लस ऐश्वर्य, यहाँ पर आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण आया हुआ है और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण आई आया हुआ है। दोनों में आपकी संधि होने के बाद आपका शब्द बनेगा महेश्वरीय। आपका अगला नियम जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यदि आपके पूर्व वाले वर्ण में आ आ के बाद आपका ओ औ आए तो दोनों में संधि होने के बाद आपका औ रूप ही हो जाएगा। आप इसको समझ लीजिए आ प्लस ओ बराबर औ। यहाँ पर आपका उदाहरण है दंत प्लस ओष्ठ, यहाँ पर आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण आपका ह्रस्व आया है और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण ओ आया है,
तो आपके इन दोनों में संधि होने के बाद आपके ओ की वृद्धि होने पर आपको दंतौष्ट इस प्रकार आपका शब्द प्राप्त होगा। यहाँ पर आपका आ प्लस औ बराबर औ। इसको भी आप अपने उदाहरण से समझ लीजिए, परम प्लस औषध। यहाँ पर आप देखेंगे आपका पूर्व वाले पद का बाद वाला वर्ण आपका आ हस्र रूप में आया है और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण औ रूप में आया है, जो आपका पहले से ही वृद्धि वाला शब्द है, लेकिन आपकी संधि पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। दोनों के मेल से आपका औ रूप ही आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर जो आपका उदाहरण है परम प्लस औस्त, उसका आपका शब्द होगा परम औस्त। यहाँ आप इसको समझ लीजिए, आ प्लस ओ बराबर औ। यहाँ पर आपका आ का दीर्घ रूप है और आपके ओ आया हुआ है, लेकिन आपके दोनों में संधि होने के बाद औ रूप ही होगा। यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हो चुकी है, आप इसको सही कर लीजिए। ये है आपके दोनों ही दीर्घ रूप में आए हुए हैं। यहाँ पर आप उदाहरण से देखेंगे महा प्लस औदार्य, दोनों ही आपके पदों में पूर्व पद का अंतिम आपका वर्ण आ दीर्घ रूप है और यहाँ पर आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला पद औ आपका दीर्घ रूप है, तो आपके दोनों दीर्घ रूप होने के बाद भी आपके औ के स्थान पर औ ही प्राप्त होगा, क्योंकि यह आपकी वृद्धि संधि का नियम है कि आपके ए आई ओ औ में आपकी वृद्धि ही आपको करनी है। आपका शब्द बनेगा महा प्लस औदार्य महोदार्य। आप अपनी वीडियो को रोककर अपने सभी उदाहरणों को एक बार ध्यान से देख लीजिए। यदि आप इन पर एक बार अभ्यास कर लेते हैं तो आप अपनी वृद्धि संधि को और भी अच्छे से समझ जाएंगे। अब आप अपनी स्वर संधि के चौथे भाग को समझ लीजिए, जो है आपकी यण संधि। यण संधि में आपका नियम है कि यदि आपके ईई जो आपका पूर्व वाला पद है उसका अंतिम स्वर आपका ईई आया है और उसके बाद आपका इन दोनों ईई से अलग कोई भी स्वर आ जाता है, तो आप अपने ई जो आपका इकारांत ई या इकारांत आपका ई आया है उसके स्थान पर आप या कर देंगे। तो आप इसको अपने उदाहरण से और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका है ई प्लस आ बराबर या। यहाँ पर आप अपने इसी नियम से समझ लीजिए कि आपके ई के बाद आपका अन्य स्वर आया है, वह आपका है आ स्वर, तो आपके ई को यकार हो जाएगा। आपका यहाँ पर जो इन्होंने उदाहरण दिया है उसको देख लीजिए, अति प्लस अधिक। यहाँ पर आपका पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण ई आया हुआ है और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण आपका आ स्वर आया हुआ है, दोनों स्वर के मेल से आपके ई को या आदेश हो जाएगा और जिस व्यंजन पर आपका ई स्वर का मेल हुआ था वह आपका हलंत्य हो जाएगा, क्योंकि आपके व्यंजन हमेशा आपके स्वर से ही पूर्ण होते हैं। जब आपके स्वर को यकार हो रहा है तो आपके व्यंजन को हलंत्य हो जाएगा, तो आपका शब्द बनेगा अत्यधिक। आप अपने शब्द में देखेंगे आपका त जो यहाँ पर आपके ई का मेल होने के बाद अति शब्द बना था, आपके ई को यकार होने के बाद आपका त हलंत्य हो गया है और आपका शब्द आपको मिला है अत्यधिक। आप इसको समझ लीजिए ई प्लस आ बराबर या। आप अपने इस वाले नियम को और भी ध्यान से समझिए, क्योंकि आपके आ स्वर को छोड़कर जो आपके शेष स्वर होते हैं वह आपके मात्रा के साथ आएंगे और आपके ई ई को यकार होने पर उसके साथ अपनी मात्रा के रूप में आपको दिखाई देंगे। आप इनको उदाहरण से और अच्छे से समझ सकते हैं, अभी प्लस आगत। यहाँ पर आपका पूर्व वाले पद में ई अंतिम वर्ण है और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण आपका आ स्वर आया हुआ है, आपके पूर्व वाले पद का अंतिम जो आपका ई आया हुआ है उसका आपको या आदेश हो जाएगा और आपका भा जो व्यंजन आया है वह आपका हलंत्य हो जाएगा। बाद वाले स्वर पे आपकी मात्रा आई हुई है तो वह अपने मात्रा के रूप में आपके या के साथ हो जाएगा,
तो आपका शब्द होगा अभ्यागत। आप अपने आधे व्यंजन से अपनी यण संधि की पहचान कर सकते हैं। जिस भी शब्द में आपका आधा व्यंजन आया हुआ है और आपको आधे व्यंजन के बाद अपने शब्द में या दिखाई दे रहा है और आपके आधे व्यंजन के बाद आपको वा दिखाई देता है, तो आप अपने शब्द से पहचान सकते हैं कि वहां पर आपकी यण संधि होगी। अन्य उदाहरण से समझ लीजिए, ई प्लस आ बराबर या। यहाँ पर आप देखेंगे नदी प्लस अर्पण, आपके पूर्व वाले पद का बाद वाला वर्ण आपका दीर्घ ई है और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण आ आया हुआ है। आपकी यण संधि में जिस प्रकार नियम है कि आपके ई ई के बाद कोई भी अन्य स्वर आता है तो आपके ई को यकार हो जाता है। तो आप अपना यहाँ पर देखेंगे कि नदी प्लस अर्पण का आपका शब्द बनेगा नद्यार्पण। यहाँ पर आप देखिए कि आपके ई जिस व्यंजन पर आपका ई आया था वह आपका हलंत्य हो गया है और आपके ई को या आदेश हो गया है। आपका आ जो स्वर है वह आपका व्यंजन को ही पूर्ण करता है, उसकी कोई भी मात्रा आपकी नहीं होती। तो यहाँ पर आपका शब्द नद्यार्पण इस प्रकार बना है, ई प्लस आ बराबर या। यहाँ पर आपके दोनों ही दीर्घ रूप में आए हैं लेकिन इससे कोई भी प्रभाव यण संधि पर नहीं होगा। जो आपका बाद वाला स्वर होगा यदि वह मात्रा के साथ आया है तो उसकी मात्रा आपकी या के साथ हो जाएगी, और यदि आपका आ स्वर आया है तो वहां पर आपका कोई भी मात्रा का मेल नहीं होगा। आपका उदाहरण है नदी प्लस आगम, यहाँ पर आपका पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण ई दीर्घ रूप वाला है और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण आ दीर्घ रूप में है, तो आपका नद्यागम शब्द आपको प्राप्त होगा। इसको भी आप समझ लीजिए, जो आपकी ई की मात्रा है वह आपकी या के रूप में हो गई है, जो आपका दा व्यंजन है वह आपका हलंत्य हो गया है, और जो आपका आ स्वर आया था वह अपनी मात्रा के रूप में आपके या के साथ दिखाई दे रहा है। आपका शब्द नद्यागम इस रूप में बनेगा। ई प्लस उ बराबर यू, जो आपका नियम है कि आपके ई को या आदेश होगा और जो आपका उससे अलग स्वर आएगा वह अपनी मात्रा के रूप में हो जाएगा। उदाहरण देख लीजिए, ऊपरी प्लस उक्त, यहाँ पर आपके ई को या आदेश हो जाएगा, रा आपका हलंत्य हो जाएगा और आपका उ अपनी मात्रा के साथ आपके या पर दिखाई देगा, तो आपका शब्द बनेगा उपर्युक्त। यहाँ पर इस उदाहरण से भी समझ लीजिए, ई प्लस उ बराबर यू, यहाँ पर आपका उ दीर्घ रूप में है तो आपके या के साथ उसकी मात्रा दीर्घ रूप वाली ही होगी। यहाँ पर आपका शब्द है वी प्लस उ, तो आप इसको समझ लीजिए, यह बनेगा आपका व्यू। व्यू को आप देखेंगे जो आपका वा पर ई की मात्रा थी वह आपके या के रूप में आ गई है, वा आपका हलंत्य हो गया है और जो आपकी उ दीर्घ उ की मात्रा थी वह आपके या के साथ जुड़ गई है, तो आपका शब्द बना व्यू। शेष जो आपके उदाहरण है आप उनको भी एक बार ध्यान से देख लीजिए, ई प्लस ए बराबर ये, यहाँ पर आप अपना उदाहरण देखिए प्रति प्लस एक, यहाँ पर आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण ई हस्र रूप में आया है और उसके बाद आपका ए जो आपका बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण है वह भी आपका हस्र रूप में ही आया है। तो आप अपने नियम को जानते हैं, ई का आपका यकार हो जाएगा, स्वर अपनी मात्रा के साथ या के साथ हो जाएगा और जो आपका ई जिस व्यंजन के साथ आया था वह आपका हलंत्य हो जाएगा, तो आपका प्रति प्लस एक शब्द बनेगा प्रत्येक। प्रत्येक जो आपका शब्द है यह आपका बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाला शब्द है। आप अपने आधे व्यंजन के साथ या और आधे व्यंजन के साथ वा का मेल से अपनी यण संधि को पहचान सकते हैं। ई प्लस आई बराबर यई, यहाँ पर आपके दोनों ही दीर्घ रूप में है, तो आप अपने उदाहरण से देख लीजिए, देवी प्लस ऐश्वर्य, आपके ई को यकार हो जाएगा
जिस पर आपका ई की मात्रा आई थी वह व्यंजन आपका हलंतीय हो जाएगा। जो आपका आई आया है वह आपकी मात्रा के साथ या में जुड़ जाएगा। देवी प्लस ऐश्वर्या का शब्द बनेगा देव ऐश्वर्य। आपका यण संधि का ही दूसरा नियम है कि यदि आपके उ ऊ के बाद उ ऊ से भिन्न कोई भी स्वर आता है तो वह आपका व हो जाता है। आपने अब तक अपनी यण संधि में जो नियम पढ़ा है वह आपका है ई ई के बाद आपका ई ई से कोई भिन्न स्वर आता है तो आपके ई को य हो जाता है। उसी प्रकार आपका उ ऊ के बाद यदि उ ऊ से भिन्न कोई अन्य स्वर आएगा तो वहां पर आपके उ ऊ को व हो जाएगा। आप इसको उदाहरण से समझ लीजिए, उ प्लस आ बराबर व। यहाँ पर आपका शब्द है सु प्लस अच। यहाँ पर जैसा आपका नियम आपको बताया है कि पूर्व वाले पद का अंतिम जो आपका वर्ण होगा वह आपका उ होना चाहिए और उसके बाद आपका उ से भिन्न कोई स्वर आता है तो आपके उ को व आदेश हो जाएगा। तो आपके शब्द में आपके उ के बाद जो आपका पद आया है उसका पहले वाला वर्ण आस्वर है तो आपके उ को व आदेश हो जाएगा और जिस वाले व्यंजन पर आपका उ स्वर का मेल हुआ है वह आपका हलंतीय हो जाएगा। सु प्लस अच आपका शब्द बनेगा स्वच्छ। स्वच्छ आपका इसी प्रकार बना हुआ शब्द है, आपके उ को व आदेश हो गया है और जो आपका सा व्यंजन था वह आपका हलंतीय हो गया है। आपके आ स्वर का कोई भी मात्रा नहीं होती, वह केवल आपके व्यंजन को ही पूर्ण करता है तो आपके स्वच्छ में कोई भी मात्रा नहीं है। शेष उदाहरण आपके इसी नियम के उदाहरण है। यहाँ इनको भी समझ लीजिए, उ प्लस आ बराबर वा। यहाँ पर जो आपका उदाहरण के रूप में इन्होंने शब्द दिया है सु प्लस आगत, उसी से आप अपने इस नियम को समझ लीजिए। आपके पूर्व वाले पद में अंतिम जो आपका वर्ण है वह आपका उ हस्र रूप में आया है और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण आ दीर्घ रूप में आया है। तो आप अपने नियम से जानते ही हैं कि आपके उ को व आदेश हो जाएगा और जो आपका उ जिस व्यंजन के साथ आया है वह आपका हलंतीय यानी कि आधे रूप में आपको दिखाई देगा और जो आपका स्वर बाद में मात्रा वाला आया है तो उसकी मात्रा आपकी वा के साथ आ जाएगी। तो आपका शब्द सु प्लस आगत से स्वागत इस रूप में बनेगा। यहाँ पर आप देखेंगे उ प्लस ई बराबर वी। अनु प्लस इति जो आपका शब्द अनविति बनता है वह इसी प्रकार बनता है। आपके अनु शब्द में बाद वाला वर्ण उ आया है और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण उ से भिन्न यानी कि ई आया है तो आपके उ को व आदेश हो जाएगा और आपके ई स्वर की मात्रा आपके वा पर आ जाएगी। जो आपका व्यंजन है वह आपका आधे रूप में आपको दिखाई देगा तो आपका शब्द बनेगा अनविति। यहाँ पर आप देखिए उ प्लस ए बराबर वे। अनु प्लस एष्ण जो आपका शब्द है वह आपका अन्वेषण बन जाएगा। उ को आपका व आदेश हो जाएगा, जो आपका स्वर आया है मात्रा वाला वह अपनी मात्रा के साथ आपके वा पर दिखाई देगा और जो व्यंजन आपका उ के साथ आया था वह आपके हलंतीय रूप में या आधे रूप में आपको आपके शब्द में दिखाई देगा। जिस प्रकार आपने अपनी गुण संधि में देखा था कि आपके आ आ स्वर के बाद री यदि आता है तो वहां पर आपका अर हो गया था, लेकिन आपकी यण संधि में आपके पूर्व वाले वर्ण का अंतिम वर्ण री होगा और उसके बाद आपका कोई भी स्वर आता है तो आपके री के स्थान पर रा हो जाएगा। आप अपने उदाहरण से इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आपका शब्द है पितृ प्लस अनुमति, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण री आया हुआ है और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण आस्वर आया हुआ है जो आपके री से भिन्न है तो आपके री को रा आदेश हो जाएगा और जिस व्यंजन पर आपका री का मेल था वह आपका हलंतीय हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो शब्द बनेगा
पितृ अनुमति वह आपके इसी नियम से बनेगा। यहाँ पर आप अपने अगले उदाहरण से देख लीजिए, रि प्लस आ बराबर रा। यहाँ पर आपका शब्द है मातृ प्लस आज्ञा। यहाँ पर आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण रि आया हुआ है और आपके बाद वाले पद का पूर्व वर्ण आ आया हुआ है। आपके बाद वाले वर्ण की जो मात्रा होगी वह आपके रा के साथ हो जाएगी और जो आपका व्यंजन होगा वह आपका हलंत्य हो जाएगा। मातृ प्लस आज्ञे तो आपका शब्द बनेगा मात्राज्ञा। रि प्लस ई बराबर रि। यहाँ पर आप इसको देख लीजिए, मातृ प्लस इच्छा, जो आपका पूर्व वाला पद है उसका बाद वाला वर्ण आपका रि आया है और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण ई आया हुआ है, तो आपका ई स्वर अपनी मात्रा का रूप आपके रा के साथ ले लेगा, तो आपका शब्द बनेगा मातृच्छा। आप अपने शब्दों को हलंत्य व्यंजन से और उसके बाद आपका वा रा आदि जो आपके शब्द हैं इनसे पहचान सकते हैं। इनकी पहचान करके आप अपनी यण संधि को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप अपनी स्वर संधि के अंतिम भेद जो है आपका अयादि संधि उसको भी समझ लीजिए। यहाँ पर आपका अयादि संधि का नियम है कि यदि आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण ए आई ओ औ आए और आपके दूसरे वाले पद का पूर्व वाला वर्ण उनसे भिन्न आए, तो आपके ए के स्थान पर आए, आई के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर औ और आपका औ के स्थान पर आव बन जाएगा। आप इनको अपने उदाहरण से और अच्छे से समझ सकते हैं। आप अपनी अयादि संधि को बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा आपकी अयादि संधि के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आपके प्रश्न में उदाहरण आते हैं वह भी आपके अयादि संधि के ही अधिक होते हैं। आप इनको समझ लीजिए, ए प्लस आ बराबर अय। यहाँ पर आपका केवल समझाने के लिए आ स्वर लिया गया है। आप इसको इससे भिन्न भी समझ लीजिए कि यदि आपके ए के बाद कोई भी अन्य स्वर, ए से भिन्न आपका कोई भी अन्य स्वर आता है तो आपका अय ही होगा। यहाँ पर आपका उदाहरण है ने प्लस अन। आप अपने उदाहरण में देखेंगे कि आपके ए के बाद अ स्वर आया है तो आपके ए को अय आदेश हो जाएगा, तो आपका शब्द बनेगा नयन। इसी प्रकार आप अपने इस उदाहरण को भी देख लीजिए, से प्लस अन तो आपका शब्द बनेगा शयन। यहाँ पर आप देखेंगे आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण ए है और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण आ है, तो आप इन दोनों के मेल से अय बना देंगे, तो आपका जो सा शेष बचता है हलंत्य वह आपके आ स्वर से पूर्ण हो जाएगा और आपका शयन इस प्रकार आपका शब्द बन जाएगा। आपका अगला उदाहरण देख लीजिए, ए प्लस आ बराबर आए। जिस प्रकार यहाँ पर आपको बताया है कि आपके ए से भिन्न कोई भी स्वर आएगा तो आपका ए का आय आदेश होगा, इसी प्रकार आपके इस वाले नियम में आई से भिन्न यदि आपका कोई भी स्वर आता है तो आपके आई को आय आदेश हो जाएगा। यहाँ पर उदाहरण है आपका गई प्लस अक, तो आपके गई में जो आई आया है वह आपका आय आदेश हो जाएगा क्योंकि उसके बाद आपका आ स्वर आया है। यदि आपका आ स्वर से भिन्न भी कोई अन्य स्वर होता तो भी आपका आई को आय आदेश ही होगा, आपका शब्द बनेगा गायक। शेष उदाहरण आप स्वयं देख सकते हैं। यहाँ पर आपका अगला नियम जो उन्होंने बताया था कि आपके ओ के बाद उससे अलग कोई भी भिन्न स्वर आता है तो आपके ओ को अव आदेश हो जाएगा, तो आप अपने उदाहरण में देखिए, भो प्लस अन तो आपका शब्द भवन इस रूप में बनेगा क्योंकि आपके पूर्व पद का अंतिम वर्ण ओ स्वर आया है और आपके उसके बाद जो आपका दूसरा पद है उसका पूर्व वाला वर्ण आपका अ स्वर है जो आपके ओ से भिन्न है, तो आपके ओ को अव आदेश होने के बाद आपका भवन शब्द बनेगा। औ प्लस आ बराबर आव। यहाँ पर आप अपना उदाहरण देखिए, पौ प्लस अन
आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण आपका औ आया है और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण आ आया है, तो आपके औ को आव आदेश हो जाएगा और आपका शब्द बनेगा पवन। इसी प्रकार आपका औ प्लस ई, इन दोनों की संधि होने के बाद आपका शब्द बनेगा अवि, क्योंकि जो आपका ई स्वर है वह अपनी मात्रा के साथ आएगा। आप अपने उदाहरण से इसको समझ लीजिए, नौ प्लस इक, यहाँ पर आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण औ आया है और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण ई आया है, आपके औ को आव आदेश हो जाएगा और जो आपका ई स्वर आया है वह अपनी मात्रा के रूप में आपको दिखाई देगा, आपका शब्द बनेगा नाविक। यहाँ पर आप देखेंगे औ प्लस उ बराबर आव, आप इसको उदाहरण से समझ लीजिए, भौ प्लस उक, यहाँ पर आपका जो पद है उसमें आपका अंतिम वर्ण औ आया है, उसके बाद आपका उ स्वर आया है, तो आपके औ को आव आदेश हो जाएगा और आपका उ जो स्वर है वह अपनी मात्रा के रूप में आपको दिखाई देगा, तो आपका शब्द बनेगा भावुक। आपकी अयादि संधि सभी संधियों में कुछ कठिन है, तो आप इस पर विशेष ध्यान दीजिए, इस संधियों पर भी आप अभ्यास जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में आपकी व्यंजन संधि के साथ। सर्वेभ्य नमो नमः।